बीते 20 जुलाई को केंद्रीय कारा के प्रभारी कारापाल प्रमोद कुमार पर जानलेवा हमला करने वाला एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी पपरवाटाड़ स्थित न्यू समाहरणालय में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को जेलर प्रमोद कुमार सरकारी कार्य से गिरिडीह न्यायालय अपने सरकारी वाहन से जा रहे थे। इसी दरमियान मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत डांडीडीह के पास घात लगाए दो अपराधियों के द्वारा उनके गाड़ी पर 3 राउंड गोली चलाई गई। इस घटना में जेलर प्रमोद कुमार बाल बाल बच गए, जिसके बाद जेलर श्री कुमार के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या दर्ज कर त्वरित अनुसंधान एवं गिरफ्तारी के लिए विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। उक्त टीम के द्वारा कांड का त्वरित अनुसंधान करते हुए उस गोली कांड में शामिल एक अपराध कर्मी आशीष कुमार साह को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक देसी पिस्टल, 2 देसी पिस्टल का मैगजीन, 1 पिस्टल का गोली, बिना नंबर का मोटरसाइकिल, छोटा मोबाइल बरामद किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी आशीष कुमार साह देवघर जिले के मार्गो मुंडा निवासी है। एसडीपीओ ने बताया कि फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है, जल्द ही पूरे कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोलीकांड में शामिल दूसरे आरोपी मंजेश मंडल की गिरफ्तारी को लेकर छानबीन की जा रही है। एसडीपीओ ने कहा कि 12 जुलाई को गिरफ्तार आरोपी केंद्रीय कारा से रिहा होकर बाहर आया था। इसके खिलाफ कई बड़े आपराधिक इतिहास दर्ज हैं। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, इंस्पेक्टर पवन कुमार समेत अन्य पुलिस जवान उपस्थित थे। दिनांक 20/7/22 को गिरिडीह टुंडी रोड में केंद्रीय कारा गिरिडीह के जेलर प्रमोद कुमार पर जानलेवा हमला हुई थी। उसमें जो 2 अपराधकर्मी शामिल थे और उस घटना के आधार पर मुफस्सिल थाना प्राथमिकी दर्ज की गई थी और तकनीकी और मानवीय आसूचना के आधार पर उसमें संलिप्त अपराधकर्मी आशीष कुमार साह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल, कारतूस, मैगजीन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बिना नंबर का हीरो का एक्सट्रीम को जब्त किया गया है। उसने अपने इस कांड में संलिप्तता स्वीकार किया है और जो लाश बरामद हुआ उसके उस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर अब तक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी कहां से हुई है सर? गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद रोड से हुई है। कारण क्या रहा सर इस गोलीकांड का? देखिए, कारण तो ये अनुसंधान का विषय, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा है इसमें। चूँकि हाल ही में जेल से आशीष कुमार साह गिरिडीह जेल से छूटा था 12 जुलाई को, तो उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जिसकी और संलिप्तता पाई जाएगी, जिसका लिंक पाया जाएगा, उसके विरुद्ध हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। दूसरे अपराधी जो और शामिल थे सर, वो क्या गिरफ्तारी से? हाँ, इसमें एक और अपराधी हैं, नाम है उसका मंजेश मंडल है, तो उसकी भी गिरफ्तारी है। लगातार छापेमारी की जा रही है, जल्द ही वह उसे भी गिरफ्तार कर लिया।